एनपीएस है ये एनपीएस से भी ज्यादा बदतर और खराब है। क्यों है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि आप 10% कर्मचारियों की सैलरी का हिस्सा काटेंगे जब तक वो नौकरी करेगा। मान लीजिए 40 साल नौकरी कर रहा है तो 40 साल तक आप वो पैसा काटेंगे और वो पैसा सरकार अपने पास रख लेगी। तो कौन सी पेंशन दे रहे हो भैया, कौन सी पेंशन दे रहे हैं आप? कर्मचारी का ही पैसा अपने पास रखकर ढिंढोरा पीट रहे कि आप पेंशन दे रहे हैं। उसके बाद आप क्या कहते हैं कि अंतिम एक साल की जो सैलरी होगी उसमें से 6 महीने की सैलरी एकमुश्त रिटायरमेंट के समय दे दी जाएगी। मान लीजिए 12 लाख है एक साल की सैलरी तो 6 लाख कर्मचारी को दे दी जाएगी। 40 साल अगर उसने नौकरी की है और 10% की कटौती उसकी हुई है हर महीने, आप सोचिए कितना बड़ा अमाउंट सरकार के खजाने में चला गया, लेकिन वो पैसा उसको नहीं मिल रहा है। वो कह रहे साहब हम आपके पेंशन के लिए पैसा रख रहे हैं, इसी में से आपको पेंशन देंगे। तो भैया कौन सा एहसान आप कर रहे हैं, पहली बात कौन सा एहसान आप कर रहे हैं। दूसरा आपने क्या किया, इसमें एक नियम बना दिया कि 25 साल की नौकरी पेंशन पाने के लिए करना जरूरी है, 25 साल की नौकरी। अब आप जानते हैं अर्धसैनिक बल जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस 20 साल के बाद मैक्सिमम लोग रिटायर हो जाते हैं, मैं अधिकतम लोग रिटायर हो जाते हैं। अब तो उनकी नौकरी नहीं पूरी होगी 25 साल की, तो आप उनको कितना देंगे, 10,000 रुपए महीने। उनका पेंशन होगा 10,000 रुपए महीने। देश के अर्धसैनिक बल जो रक्षा करते हैं देश की, अपने प्राणों की आहुति देते हैं देश के लिए, संसद भवन की रक्षा करते हैं, हमारी सीमाओं पे बीएसएफ लगाई जाती है, आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि साहब उनको जो है क्योंकि वो 25 साल की नौकरी नहीं कर पाएंगे तो उनको पेंशन के वो हकदार नहीं है। दो बात हो गई। तीसरी बात यह है कि अगर यूपीएस इतना ही अच्छा है और 50% आप साल भर के जो अंतिम वर्ष के जो उसकी सैलरी है उसका बेसिक्स है उसका उसका आप एवरेज निकाल के उसको आधा देंगे आप पेंशन के रूप में, तो भैया ओपीएस लागू कर दीजिए ना आप। जब आप कह रहे हैं कि यूपीएस जो है वो बिल्कुल एकदम ओपीएस की तरह है तो ओपीएस लागू कर दीजिए आप, उसमें तो कर्मचारियों से कोई कुछ नहीं लिया जाता था बावजूद इसके पेंशन मिलती थी। तो इसलिए ये देश के लाखों कर्मचारियों के साथ नई जो यूपीएस की जो स्कीम है ये एनपीएस से भी ज्यादा बदतर है और कर्मचारियों के साथ धोखा है। अग्निवीर जैसी योजना देश के अंदर आई, 4 साल की नौकरी, 17 साल में एक जवान सेना में भर्ती होगा, 21 साल में रिटायर हो जाएगा। मैं ऐसा मानता हूं मान्यवर, इस योजना के बारे में सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। नौजवानों में इसको लेके प्रतिरोध है, गुस्सा है और कहीं ना कहीं ये भारत की सेना को भी कमजोर करने की कार्रवाई है मान्यवर।